हे दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, Redmi और Realme की तरफ से आने वाले हैं दो नए स्मार्टफोन, Redmi K20 और Realme X। दोनों ही फ़ोन आने वाले हैं जुलाई के महीने के अंदर, अप्रॉक्सीमेट 15 जुलाई को। अब बात कर लें इन दोनों फ़ोनों की खासियत क्या है, तो दोनों ही फ़ोनों के अंदर आपको मिलने वाला है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, दोनों ही फ़ोनों के अंदर आपको मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। इसके साथ साथ जो इसका हाईलाइट फीचर है वो ये कि इन दोनों फ़ोनों के अंदर आपको मिलने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा। अगर बात करें रियर कैमरा सेटअप की, तो वहाँ पर दोनों ही फ़ोनों के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। प्रोसेसर भी दोनों फ़ोनों के अंदर शानदार होने वाला है। तो करेंगे दोनों फ़ोनों का कंपैरिजन डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा परफॉर्मेंस और कुछ अदर कैटेगरीज़ में। इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे है गुजारिश कि जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो करते हैं दोनों फ़ोनों का कंपैरिजन। सबसे पहली कैटेगरी में है जो कि है डिज़ाइन कैटेगरी। डिज़ाइन कैटेगरी की बात आती है तो Redmi K20 के अंदर आपको फ्रंट साइड में फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाती है, कॉर्नर एंगल ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिल जाता है, पॉपअप सेल्फी कैमरा का डिज़ाइन मिलता है आपको, बैक साइड से आपको मिलता है 3D ग्रेडेड बॉडी। अगर बात करें इस फोन के वेट की, तो इस फोन का वेट है 171 ग्राम का। वहीं बात करें Realme के X की, तो Realme के X के अंदर भी पॉपअप सेल्फी कैमरा डिज़ाइन मिल जाता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाती है। अगर बात करें बैक साइड पैनल की, तो बैक साइड का पैनल Realme 3 Pro के जैसा ही दिखता है। इसके साथ साथ इस फोन का वेट है 171 ग्राम का। दोनों फोनों की अगर डिज़ाइन कैटेगरी की बात करें, तो डिज़ाइन कैटेगरी में मेरी नज़र में Redmi का K20 बाजी मारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसकी लुकिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, एक फ्लैगशिप रेंज का फ़ोन दिखता है लुकिंग वाइज। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है डिस्प्ले कैटेगरी। डिस्प्ले कैटेगरी की बात आती है तो Redmi K20 के अंदर आपको मिल जाती है AMOLED डिस्प्ले, जो कि है 6.39 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। अगर बात करें कॉर्नर ग्लास प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर कॉर्नर ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। वहीं बात करें Realme की, तो Realme X के अंदर आपको मिल जाती है 6.53 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। अगर बात करें प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर भी आपको कॉर्नर ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों फोन के डिस्प्ले की बात करें तो लगभग लगभग सेम है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो Realme X बाजी मारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले आपको यहाँ पर Realme X में मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है कैमरा कैटेगरी। कैमरा कैटेगरी की बात आती है तो Redmi K20 स्पेशली कैमरा फ़ोन ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रंट साइड में पॉपअप सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का, जो कि है एपरेचर f2.2 के साथ। रियर कैमरा सेटअप की बात करें, तो वहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर f1.8 है, 8 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप साथ में मिलता है, जो कि वाइड व्यूइंग एंगल के काम आता है। वहीं बात करें Realme X की, तो Realme X के अंदर आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, जिसका एपरेचर है f2.0 का। अगर बात करें रियर कैमरा सेटअप की, तो 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलता है। अब बात करें कैमरा सेटअप के अंदर कौन सा फ़ोन बाजी मारता हुआ दिखाई देता है, तो मेरी नज़र में Redmi K20 बाजी मारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा भी थोड़ा सा बड़ा मिलता है और रियर कैमरा सेटअप के अंदर आपको वाइड एंगल की फोटोज़ को क्लिक करने के लिए 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा अलग से दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में दोनों फ़ोनों के कंपैरिजन की, जो कि है परफॉर्मेंस कैटेगरी। परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर दोनों ही फ़ोनों के अंदर हम चेक करते हैं फोन की रैम को, फ़ोन के प्रोसेसर को, और इसके बाद चेक करते हैं फ़ोन के एंटूटू स्कोर को। Redmi K20 के अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 730 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 8 नैनोमीटर के टेक्निक पर काम करता है, जो कि क्रायो कोर 470 के बेस पर काम करता है। इस फोन के अंदर 6GB और 8GB के वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। अगर बात करें Redmi K20 के स्कोर की, तो एंटूटू स्कोर 6GB वाले वेरिएंट का मिलता है आपको 218,000 के अप्रॉक्सीमेट। अगर बात करें यहाँ पर Realme X की, तो Realme X के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर, जो कि 10 नैनोमीटर के टेक्निक पर काम करता है। इसके अंदर क्रायो कोर 360 के बेस पर प्रोसेसर काम करते हैं। इस फोन के अंदर आपको 4GB और 6GB के वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बात करें इन फोन की एंटूटू स्कोर की, तो 4GB 64GB वाला वेरिएंट ये स्कोर करता है 1,64,000 के आसपास। अब बात करें इस फोन में से कौन सा फ़ोन परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो नो डाउट यहाँ पर भी Redmi K20 बाजी मारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एंटूटू स्कोर भी अच्छा है और ऑन पेपर भी इसका हार्डवेयर ज़्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू Realme X के। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों फ़ोनों का कुछ अदर कैटेगरीज में, उसके बाद बात करेंगे मेरे ओपिनियन की। पहले बात करें Redmi K20 के अंदर आपको मिल जाता है क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट, बैटरी मिल जाती है आपको 4000mAh की, MIUI का सपोर्ट मिल जाता है आपको, प्राइस मिल जाता है इस फोन का अप्रॉक्सीमेट 20,000 के आसपास। अगर बात करें Redmi X की, तो Redmi X के अंदर भी काफ़ी अच्छे अदर फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि VOOC चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिलता है, बैटरी मिलती है 3765mAh की, ColorOS 6 का सपोर्ट मिलता है, प्राइस इस फोन का अप्रॉक्सीमेट 15,000 का मिलेगा आपको। अब बात कर लें मेरे ओपिनियन की कि दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन किस कैटेगरी में लेना बेस्ट रहेगा, तो अगर आपका रेंज 15,000 के आसपास है, तो आपको
ये नहीं देखना है कि इसके अंदर Redmi K20 से कुछ कम मिलता है आपको हार्डवेयर, लेकिन आपको यहाँ देखने वाली बात है कि आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, शानदार प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 710, VOOC चार 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो 15,000 की रेंज में ये फ़ोन एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप कंपेयर कर लेते हैं और दोनों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन को चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर Redmi K20 बाजी मारता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर Redmi K20 के अंदर आपको जो ज़्यादा अच्छा मिलता है वो है इसका डिज़ाइन जो कि काफ़ी शानदार है, और इस फ़ोन का प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन 730 जो 710 से तो बेटर ही है। और इसके बाद बात करें, यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और साथ ही साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।